दोस्तों गुड मॉर्निंग, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों फिर से मैं आ चुका हूँ सुबह सुबह घूमने के लिए। और दोस्तों अभी जो है ना, इस समय हमारा नींद टूट जाता है, चार बजे अपने आप नींद टूट जाता है। अलार्म ऐसे लगा लिया हूँ 4 बजे का, लेकिन फिर भी अलार्म बजने से 1-2 मिनट पहले ही नींद खुल जाता है। तो उसके बाद में टॉयलेट करता हूँ और भैंस उस निकाल करके जो है थोड़ा सा बुकिट करता हूँ। उसके बाद में 5:15 बजे से अभी चलाता हूँ इधर घूमने। तो दोस्तों अभी 5:15 हो रहा है, तो अभी आ गया हूँ इधर घूमने। चलते हैं सरेहोरी से, पूरे बीच सरेह में से घूम करके आएंगे। फाइनली दोस्तों अभी आ गया हूँ सरेह में, बीच सरेह में, और यहाँ से लगभग 500 मीटर और आगे चलना है, तो पूरे लास्ट छोर पर चले जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों और आते हैं घूम करके। और दोस्तों पिछले 27-28 तारीख तक, 29-30 तारीख तक जो है ना, पूरा गेहूँ लगा हुआ था, पूरा सरेह भरा हुआ था, एक भी नहीं कटा हुआ था गेहूँ। लेकिन आज देख सकते हैं महीना आते आते तक, महीना दिन हुआ भी नहीं, मात्र 15-20 दिन हुआ है और सारा गेहूँ खत्म हो गया है, कटा चुका है। देख सकते हैं पूरा खेत खाली हो गया है, भूसा उसा भी सारा ढोआ गया है सारे, कोई कोई आदमी का अभी लगा हुआ है भूसा खाली, नहीं तो गेहूं सारा खत्म हो गया। तो इस समय जो है ना, खेत के लिए थोड़ा सा बारिश जरूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप उगता है, बारिश थोड़ा हो जाता तो अच्छा रहता, हाल बन जाता सारे खेत में, लेकिन बारिश का थोड़ा सा नाम ही नहीं है। ऐसे तो हम लोग का फ्री वाले का तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन खेत के लिए जो है ना बहुत ही लाभदायक हो बारिश होने पर, तो बारिश जरूरी है। और ऐसे भी फेरी वाले भैया सब, यानी काम वाले जो बिजनेस वाले हैं हमारे जैसे, उनके लिए भी सही होगा, क्योंकि गर्दा बहुत उड़ता है जब हवा चलता है, तो अब बारिश हो जाएगा तो सारा गर्दा ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बारिश के होना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल आते हैं आगे से घूम करके। और दोस्तों चलेंगे घर, उससे पहले एक बात दिखाते हैं, इधर देख सकते हैं ये बीच में है जो है ना गाड़ी ट्रैक्टर वैक्टर ले जाकर लिख लगा दिया हुआ है। और ये तो दूसरा का खेत है, लेकिन ये वाला हमारा अगला जो है ना हमारा है, इसमें देख सकते हैं मूंग बोआ गया है, इसमें मूंग बोए हुए हैं और बीच में है पैरा रास्ता लगा दिया है, देख सकते हैं। उसको किसी कोई भी ले गया हो तो साइड में है ले जाना चाहिए, वो साइड में ले जाता है, वो इस खेत में है, हमारे खेत में है, एक दूसरे के खेत में है, तो साइड में है थोड़ा सा ख़त्म होता, ख़राब होता फसल, लेकिन देख सकते हैं कि बीचे बीचे लिख लगा दिया हुआ है सारे कोई, तो इसी से समझ सकते हैं कि इधर का लोग किस टाइप का है। और हमारे ही खेत में काहे ऐसा करता है, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं कि और भी खेत पड़ता है, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ बाली नहीं है, तो उस महले जाओ से नहीं तो बीचे बीचे रास्ता लगा दिया हुआ है, ले जा रहा है, ले जाता है। तो जब कोई संभावना नहीं हो, जब नहीं जगह रहता है जाने का तो ले जाता है, तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना सारे खेत है जाने के लिए, तो फिर इसी बीचे में है क्यों ले गया, तो साइड में ले जाना चाहिए। घर दोस्तों अभी चलते हैं, ये सब जो है ना इधर उधर हो गया है, सबको सरिया लेते हैं, इधर गमछा भी सरियाना है, तो चलते हैं सबको सरिया लेते हैं, अभी फिर मिलते हैं। टाइम अभी हो गया है लगभग 6 बजने में, अभी 10 मिनट बाकी है अभी टाइम, तो सरियाते हैं, देखते हैं कितना बजे तक सरिया हुआ होता है। फाइनली दोस्तों सारे को सरिया लिया, देख सकते हैं उधर भी हो गया, अरे गमछा भी हो गया, देख सकते हैं झोला में का भी इधर है, देख सकते हैं इधर भी हो गया, और इतना बच गया, इसमें थोड़ा सा माल है खाली, क्या बोलते हैं टेप उप सब है, और उसके बाद में बंडी वंडी सब है, बस थोड़ा सा है माल स्टॉक में। तो अभी 7:15 हो गया है, 7:20 हो रहा है अभी, तो चलते हैं अभी स्नान स्नान करके। ये दोस्तों पहले चलते हैं पानी भर लेते हैं, मोटर चालू कर दिए हैं तो पानी भरना होगा, दोस्तों पानी भर देते हैं, भर लेते हैं एक कचरा में और बाल्टी में, बाल्टी फूटा हुआ है थोड़ा सा इसलिए कम भरते हैं, और कचरा में भर लेते हैं, थोड़ा स्नान स्नान करके और फिर मिलते हैं। तो अभी स्नान कर लिया और चलते हैं, टाइम दोस्तों अभी हो गया है 8:05 बाकी है, तो चलते हैं पूजा वूजा करेंगे, खाना खाएंगे, उसके बाद में चलेंगे। फिलहाल तैयारी वारी अच्छे से हो जाते हैं पूरी तरह से,
और फिर मिलते हैं। दोस्तों अभी तैयार हो गया, अभी चलते हैं खाना खाते हैं, उसके बाद में लोड करेंगे माल को, फिर चलेंगे खाना वाना खा करके लोड कर लेते हैं। दोस्तों अभी खाना भी आ गया, देख सकते हैं भुजिया है, चावल है और दाल है, उधर पानी है, वो खाते हैं खा के और माल वो सब लोड कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। चलिए भाई लोड कर लिया सब और चलते हैं, टाइम 8:30 हो चुका है। दोस्तों अभी घर से तो निकल चुका हूँ, लेकिन देखते हैं आज का दिनचर्या कैसा रहता है। और दोस्तों फर्स्ट बोनी होने के बाद मिलते हैं। और आज है ना दोस्तों, जिधर जिधर ज़्यादा ज़्यादा उधारी बाकी है उधर चलेंगे आज, तो देखते हैं कितना उधारी मिल पता है। लगभग 600-700 तक उधारी टोटल है, तो जिधर जिधर उधार है ना उधर ही चलेंगे। चलिए फिलहाल फर्स्ट मॉर्निंग होने के बाद मिलते हैं। टाइम 9:30 हो गया है, ये घंटा निकला हुआ हो गया। और दोस्तों अभी बिक्री एक भी नहीं हुआ है, और उधारी था लगभग 700 पिछला बार टोला में, वो भी नहीं मिला है। एक तो गया हुआ है शादी में, और एक है तो एक बोला कि उधर शाम के आने के लिए, तो शाम को टाइम मिलेगा तो आएंगे, नहीं तो दूसरे दिन लेना पड़ेगा। और 20 रुपये खाली उधारी मिला है, उसी से बोनी हुआ है, नहीं तो अभी बिक्री नहीं हुआ है। चलिए घूमते हैं फिलहाल अगला गांव में, अगला गांव बेदौल है, इस गांव में घूम के और फिर मिलते हैं, देखते हैं कितना का सेल होता है कि नहीं होता है, क्या होता है। दोस्तों टाइम अभी 12:15 हो गया है, और इस समय का भी कुछ इस प्रकार का दे सकते हैं। और दोस्तों आज जो है ना लगभग 7-8 गांव घूम गया, लेकिन लगभग 11 बजे के आसपास में 400 का सेल हुआ है, नहीं तो बुआ रहा हूँ मन उगता गया है। कल से थोड़ा कम धूप है, लेकिन गर्मी उतना ही है, हवा भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है आज। लेकिन दोस्तों बिक्री नहीं हो रहा है, इससे मन उगता गया, क्योंकि 8 गांव 9 गांव घूम गया और मात्र 400 का सेल हुआ है। थोड़ा सा रुकते हैं फिर चलेंगे। दोस्तों अभी 1:15 हो गया है, और आज बिक्री सही से हो ही नहीं रहा है, क्योंकि दोस्तों 400 उस समय तक हुआ था लगभग 12:15 तक, अभी 1:15 हो गया है। अभी तक सेल की बात करें तो अभी 60 रुपया का सेल हुआ है, फिर उसके बाद 460 का सेल हुआ है, तो सेल नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से मन ही नहीं लग रहा है घूमने के लिए। तो चलते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे आधा घंटा, उसके बाद में फिर घूमेंगे 2-3 बजे से। दोस्तों टाइम अभी 7:15 होने वाला है, और अभी मैं गाँव एरिया में ही हूँ, अभी निकल चुका हूँ। दोस्तों अभी रास्ते में चल रहा है घर पर। सेल की बात करें तो दोस्तों सेल मस्त हुआ है, 3 बजे तक हुआ था मात्र कितना 1000 रुपये का सेल हुआ था 3 बजे तक, लेकिन उसके बाद में 3 बजे से लेकर 6:30 तक अभी तक बिक्री हो ही रहा था। 6:30 तक मस्त सेल हुआ है, कितना का सेल हुआ है टोटल गिनती करेंगे फिर पता चलेगा। तो चलिए फिलहाल चलते हैं घर पर, मिलते हैं। दोस्तों भी आकर के घर पर और मालो सारे को उतार लिया, और गाड़ी भी इधर लगा लिया है, देखते हैं और अभी चलते हैं, टोटल अमाउंट गिनती करते हैं टोटल कितना होता है। तो इसलिए टाइम दोस्तों आते आते 7:15 हो गया, तो हैं सब कुछ सही आएंगे, उसके बाद में गिनती करेंगे, जैसे जैसे मिला हुआ है वैसे वैसे सब रखे हुए दे सकते हैं, सबको सरिया के गिनती कर लेते हैं। तो दोस्तों सारा को सरिया लिया दे सकते हैं, और सबको गिनती करते हैं कितना होता है, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो सारा दोस्तों गिनती कर लिया, टोटल 4000 रुपये है, जिसमें मैं 450 रुपये लेकर गया था, 350 का सेल हुआ है 3 बजे से लेकर के, और 6:30 तक सेल हो गया 2500 का, नहीं तो उससे पहले मात्र 1000 का हुआ था। चलिए शाम के अभी घर
सुबह से तो धीरे धीरे हो रहा था तो मन नहीं लग रहा था, लेकिन शाम के घर आते थे तो दिल खुश हो गया सेल देख करके। तो चलिए सेल मस्त हुआ है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं कल सुबह एक और नई वीडियो। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट।